गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर के 1:30 बजे से। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे यहाँ जो रेंट में ग्राउंड फ्लोर पे आने वाले थे वो आ चुके हैं। वो अभी हो चुका है खाना बनाने का टाइम। तो मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल और कुचई की सूखी वाली सब्ज़ी। मैंने आप लोगों के साथ कुचई दही वाली रेसिपी तो शेयर करी थी, बट कुचई की जो सब्ज़ी है ना वो मैंने बताया था आपको कि जैसे आलू जीरा आलू बनता है ना वो उसी तरीके से बनता है। तो मैं आज वैसा वाला ही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो गाइस, आज हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है, तो 2 दिन से जितने भी कपड़े मैंने धोए थे वो तो सूखे ही नहीं हैं। और आप देख सकते हो कि बादल कैसा लग रहा है। फाइनली मेरे कपड़े थोड़े से सूख जाएंगे बरसात के मौसम में। और मैंने ना गूगल पे देखा हुआ है कि अभी 2 या 3 दिन बारिश नहीं होने वाली, थोड़ी बहुत तो धूप निकलेगी। तो मैं सोचूं कि जितने भी गंदे कपड़े हैं, जो चादर वगैरह जो मैंने रखे हुए हैं जो बरसात के कारण मैं नहीं धो रही थी, तो वो भी फाइनली आज मैं शाम को धो के रख लूँगी ताकि मैं कल उसे सुखा सकूँ। बरसात के मौसम में सिर्फ मुझे कपड़े के कारण ही टेंशन होती है, और कपड़े को अगर थोड़ा सा भी धूप नहीं लगता तो उससे जो स्मेल आती है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गाइज, इतनी मशक्कत के बाद हमारे किचन में खिड़की लग चुकी है। रुको, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आप लोगों को किचन का भी व्यू बहुत अच्छे से दिखा पाऊंगी, क्योंकि कांच ना होने के कारण ना ये वाला जो एरिया है ना ये मैं अपने वीडियो पे नहीं लेके आती थी, बट फाइनली अब मैं यहाँ पर से वीडियो बना पाऊंगी। तो गाइज, अभी बजने वाली है दोपहर की 2। गाइज, अब मैं जल्दी जल्दी से बनाती हूँ खाना। मैंने ले लिया यहाँ पे चावल और दाल। अब मैं इन्हें अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर के लिए भिगा दूंगी, जब तक कि मेरी सब्जी भी कट हो जाएगी। दाल चावल को अच्छे से वॉश करके अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए भिगा दूंगी, तब तक मैं सब्जी कट कर लूंगी। क्योंकि दाल चावल को भिगाने का ये भी रीजन होता है क्योंकि इससे ना 10 मिनट जब आप इसे भिगा के रख दोगे तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छे से पक जाता है। शेयर करूंगी, तो मैंने उसकी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आप देख लो कि नीचे का फ्लोर कैसा है। गाइस, मैं आई हुई हूँ नीचे। मैंने आपसे कहा था ना कि रेंट में देने से पहले मैं आप लोगों को अपना ग्राउंड फ्लोर दिखाऊंगी। तो ये ग्राउंड फ्लोर में एंटर करने के बाद एक हॉल है। ये है वॉशरूम एंड ये यहाँ का रूम है जहाँ अभी थोड़ा सा काम चल रहा था। ये है किचन यहाँ का। ये है बेसिन एरिया और ग्राउंड फ्लोर कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं बनाना शेक, क्योंकि हमारे घर पे बहुत सारे बनाना रखे हुए थे, बट मुझे ज़्यादा बनाना खाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि शेक ही पी लेते हैं। तो फिर जल्दी से मैंने बनाना छील के उसका शेक बना दिया। गाइस, देखो कितनी सारी बकरियां।
छत पे जो मैंने कपड़े सुखाए हुए थे वो कपड़े निकालने के लिए, और ये धूप हल्की सी है बट पूरी आँख में आ रही है, तो मेरी आँख भी नहीं खुल रही है, तो मैं जल्दी जल्दी से सूखे हुए कपड़े निकाल लेती हूँ। जा रही हूँ नीचे क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, तो बस फिर हाथ मुंह धो के पूजा की तैयारी करनी है, तो चलते हैं गाइस नीचे। तो गाइस बरसात के कारण हमारे घर में इतने सारे कीड़े आ गए हैं कि मेरे को दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ रहा है। आप देख सकते हो दरवाज़ा बंद है। जब भी मुझे ब्लॉग की एंडिंग करनी रहती है तो मैं यहीं पर आ जाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्लॉग एंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों मेरा रूटीन ही बन गया है कि जब भी मुझे ब्लॉग एंड करना होता है तो मैं यहीं पर आके ही ब्लॉग एंड करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करो, और प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रिचेश मेहरा व्लॉग। तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं, बाय गाइज।